ज व्हाट्सअप पता है पता है थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आज एनी वेज देकिंग मोर ऑफ लवेज स्टूडेंट आई एल बी स्पीकिंग इन हिंदी हिंदी मैं बोलूँगा बिकॉज दई एल बी डिस्कसिंग द मेन्स लैंग्वेज प्रेपर्ड हिंदी देर इज द रीजन बिहाइंड इट वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड यूल सून नो वाई सो इफ यू एनी डाउट और एनी क्वेरी ओब्वियसली डेली रूटीन ला ला लाव ला You can post it uh, below the Facebook page here or on the YouTube video, and I'll try to take the cognizance of it and I will take action in it in the next videos. It might be any request for any particular video. Since there are parallel interests, there are divergent interests, only one or two of them can be taken at a time. But rest assured about as much as you can, and you will see the result as you have seen with science and tech last time. Anyway, so why am I making Hindi? So, वाई इज रोमन मेकिंग वीडियो ऑन सच रीटा टॉपिक्स बिल्कुल जेनुअन क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है देर आर सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर लेफ्ट बट द मेन रीजन बिहाइंड इट इज दिस सर टेन परसेंट ऑफ यू हु मेन्स दैट इज आउट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड यू विल भी कम्पलीटली शॉकड एंड यू विल भी कम्प्लीटली बैफल्ड और आपके समझ में नहीं आ हो क्या गया विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वॉट जस्ट यू and this is just not uh, related to the language paper hindi paper it is related to all the languages in 2010 1264 of the 11865 candidates failed in their language examination it can be either english plus indian language either in them or both of them doesn't matter so the total there can be three categories right one is one failed in english one failed in indian language one failed in both सो ऑल दीज थ्री कैटेगरीज कम्बाइंड इज मोर देन टेन परसेंट ऑफ द टोटल मरू फील्ड तो कॉम्पिटिशन सिर्फ नाइन्टी परसेंट में ही रहा इन टू थाउजेंड एलेवन ऑल्सो सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट रफली स्टूडेंट्स फेल्ड इन आयदर और बोथ द लैंग्वेज वॉट हैपन्स इज योर कॉपीज आर चेकड लेकिन उसके मार्क्स कैल्कुलेट नहीं करते ना आपको बताएंगे दे स्ट्रेट अवे बी थ्रोन इन डस्टबिन और बर्न डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स कोल्ड टाइम ज़्यादा ठंड लग रही होगी जला के हाथ से इकलेंगे एंड योर मार्क्स विल नॉट बी रिविल्ड एंड इट वेल नॉट टेक द कागनीजेंस ऑफ योर मार्क्स यू यल ने नो हाउ यू परफॉर्म्ड और अला अटम्प्ट देना होगा तो यू यल नवर नो कि हाउ वॉट इज योर वीकनेस एरिया एस ए में कमाए थे ऑप्शन में कमाए थे या हो सकता है यू माइट भी टॉपिंग द एग्जाम यू माइट भी गेटिंग द रैंक वन बट स्टिल इट विल नॉट बी चेकड बिकॉज ऑल दैट हार्ड वर्क ऑल दैट लेट नाइट मिड नाइट बर्निंग ऑयल इट विल भी वॉश डाउन द ड्रेन कंप्लीटली वाई बिकॉज यू हैड मोमेंट्री लैब्स इन कॉन्सेंट्रेशन यू डिड नॉट स्टडी And I have seen many, many of my friends, I have seen Prakant Pandit from Banaras failing in these examinations who have studied Hindi, Sanskrit till the time they uh, could walk they were reading Hindi and Sanskrit and they have done graduation also in Sanskrit, some of them still they failed, some of my seniors from Ames also, they are very, very good in Hindi yet they have failed. So I've seen many geniuses and many of my friends failing, and I was tired and sick of it. So I decided to make this video. So that is the reason why this video is being made. Anyway, moving forward now. So what is compulsory language? First of all, I'll straight away apologize to the thirty-five percent of the audience which will give the mains examination, and they will be non-Hindi candidates. The most common language other than Hindi is Marathi. Around thousand people give it. Then there is Telugu. Around eight hundred people give it. So these are the two most common language apart from. पार्ट फ्रॉम हिंदी हिंदी में तो आपको बताएंगे अभी नंबर सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल विल गिव द एग्जामिशन इन हिंदी थर्टी फाइव परसेंट विल गिव इन द नॉन हिंदी ये फैक्ट है मतलब आई एम नॉट मेकिंग दैम अपंट वरी प्रेसिडेंट नीड्स टू गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम यू पी एस सी हाउ मेनी ऑफ यू नो अंडर आर्टिकल थ्री ट्वेंटी जस्ट चेक एंड लेट वी नो विच आर्टिकल इज दिस आई नो द आर्टिकल आई एम नॉट टेलिंग यू सो एनअल रिपोर्ट बाई यू पी एस सी नीड्स टू गो टू द प्रेसिडेंट So this year's report is the 64th report which was sent by the UPSC to president, you can just google 64th annual report UPSC president and you will get the link And this is 200 pages roughly book and you can read if you want Obviously I will not be able to deal with the other languages, it's impossible for me to teach you um, Santhali, it's just not my cup of tea And obviously I took Hindi as my option because that's my mother tongue and कंपलसरी लैंग्वेज पेपर में एव टूक हिंदी फोर्टी टू परसेंट ऑफ द इंडिया स्पीक्स हिंदी इज द नेटिव लैंग्वेज नेटिव का मतलब मदर टंग दे कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो दे कैन स्पीक फ्रेंच जर्मन रशियन पॉतुगीज़ उससे मतलब नहीं है जब आपके ऊपर गर्म गर्म पानी डालता है और आप चिल्लाते हो जिस लैंग्वेज में दैट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज एक्चुअली दैट इज़ अ रियल टेस्ट इफ यू आर शॉकड एंड यू कॉन्ट लाइक कॉन्शियसली थिंक ऑफ इट द लैंग्वेज चिन्ह स्क्रीन और मदर्स नेम और समल्स इज नेम दैट बिकम्स योर नेटिव लैंग्वेज 65% of the people will give, give exam in it and for all the other language aspirants i'll humbly suggest that you go through the last 10-year paper question papers and get a book. that's it. and you'll be able to score good marks, decent marks, and you just need to pass. now, hindi as compulsory paper is taken by 65% of the janta. 2012 may, uh, 7,888 people out of roughly 12,000, so almost 67%. two-thirds hindi liya.

ऊपर पंजाबी देन ऑल द फाइव सदरन स्टेट्स महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका उसके अलावा कोई रेयरली कोई लेता है जम्मू एंड कश्मीर वाले ओब्वियसली टेक उर्दू एंड गुजरात पीपल गुजरात टेकिंग बंगाली एंड असमीज़ बट मोस्ट ऑफ दीज पीपल विल माइग्रेट वस हिंदी एज यू हव सी फोर्टी टू परसेंट ऑफ इंडिया एज नेटिव लैंग्वेज एज हिंदी ट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल गिवे इंदी सो हिंदी इज अ सेफ बैट अगर आपको तमिल नहीं आती है लिखनीन मे बर अमिलियन वट यू आर ब्रॉटअप इन मुंबई तो ना मराठी आएगी ना तमिल आएगी तो इसलिए बेस्ट के सीनरी आप हिंदी में दे दो चलो मूविंग फॉरवर्ड दैन एनी एट्थ स्कड्यूल लैंग्वेज कैन बी टेकन हिंदी एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी ये तो रेस्ट अशोर्ड है इंडियन लैंग्वेज में कोई भी आप आउट ऑफ ट्वेंटी टू यू हैव टू टेक वन तो अब एट्थ स्केड्यूल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बता दें तो ओरिजिनल एट्स स्केडूल हैड फोर्टीन लैंग्वेजेस दीज आर द फोरटी लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ़ देम अपार्ट फ्रॉम दीज फोर मलयालम तेलुगु कन्नड़ा एंड तमिल सो दीज फोर आर द्रविडियन लैंग्वेजेस सो देर आर फैमिली क्लास लैंग्वेज क्लास इंडिया में चार लैंग्वेज क्लास होती हैं फोर लैंग्वेज फैमिलीज आर देयर सो प्लीज़ रिमेंबर दिस टर्म लैंग्वेज फैमिली इट इज़ क्रिटिकल ये आएगा मेन्स में किसी ना किसी टाइम आपको फंसाएगा फर्स्ट क्लास इज इंडो आर्यन क्लास इसमें आती है इंग्लिश हिंदी बंगाली गुजराती पंजाबी सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ़ द लैंग्वेज एंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इंडिया इज़ कवर्ड इन दिस सेकेंड होती है द्रविडियन उसमें फोर लैंग्वेजेज हो गई ठीक है देन द थर्ड लैंग्वेज इज कॉल्ड है साइनो तिब्बतन फैमिली इसमें आपकी बोडो आती है बोडो कहाँ बोलते हैं बोडो इज़ अन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस ब्रह्मपुत्र वैली में बोडो इज स्पोकन एंड फाइनली संथाली इज़ एन ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज एंड इट इज़ स्पोकन

the three languages were added by 71st Amendment Act and these were the three. Konkani is spoken on the Konkan coast, obviously near Goa and Manipuri is spoken obviously in Manipur. Nepali is spoken in Nepal. Like in India, Nepal is not part of India. In 1975, sir and ma'am, 35th Constitutional Amendment Act made Sikkim an associate state of India and by 36th Constitutional Amendment Act 1975, again we made it the परमानेंट स्टेट ऑफ इंडिया बाय थर्टी सिक्सथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सो सिक्किम वॉज गिवन परमानेंट स्टेटस बाय दिस एक्ट एंड सिक्किम इज पीपल हैज़ ऑफिशियल लैंग्वेज एज नेपाली सो दैट इज़ वाई नेपाली वॉज एडिड एंड फाइनली मैथिली इज द लैंग्वेज इट इज स्पोकन मेनली इन मुंगेर रीजन ऑफ बिहार और वो जो आपका साउथ टू नेपाल रीजन है जो बिहार का वहाँ पर बोलते हैं दबा के नेपाल में तो बोलते ही बोलते हैं साउथ ऑफ नेपाल जो बिहार वाला रीजन है उसमें भी बोलते हैं सो हाउ डी रिमेंबर 21 is the Constitutional Amendment Act, which added 1. Okay. Then 71 is the Constitutional Amendment Act, which added 3. So 21 plus 71 is 92, and 1 plus 3 is 4. So 92nd Amendment Act added 4 languages and the total came out to be 22. Small mnemonic. Please try to remember it. Now cut off notification tha जब मेरा टाइम था 2013 का जो प्रोस्पेक्टस था उसमें नहीं था देर वॉज नो कट ऑफ नोटिफिकेशन नहीं पता होता था देर कैन बी टू टाइप ऑफ सेलेक्शन राइट मान लो उनको 10 परसेंट फेल करने ही करने हैं तो टॉप तो 90 परसेंट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई तो भले ही ये टॉप 10 भले ही बिलो तो, तो, 10 परसेंट में कट ऑफ कूड भी 30 मार्क्स आउट ऑफ 300, हंड्रेड इट कैन बी वन मार्क्स आउट ऑफ थ्री डिपेंड करता है ना इट कैन भी टू मार्क्स आउट ऑफ थ्री अगर बहुत ही ईजी बना देंगे तो लेकिन अब ऐसा नहीं था मुरनाल भाई ने आर टी आई फाइल करी थी एंड देर वॉज नो रेस्पॉन्स देन बट इट वॉज रिलीज इन टू थाउजेंड फोर्टीन थैंक्स टू हिज़ आर टी आई एंड थर्टी परसेंट इन इंडियन लैंग्वेज इज द कट ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू यू ऑफिलियल यू पी एस सी नोटिफिकेशन टू थाउजेंड फिफ्टी में चेंज हो गया तो पता नहीं अभी तक ये है दट इज़ नाइन्टी आउट ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स अगर आपके हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज में आ रहे हैं तमिल तेलगू तो आप पास हो और ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं दैट इज़ सेवेंटी फाइव आउट ऑफ थ्री हंड्रेड तो आप पास हो और आपके मेन्स में एक्जाम आपका चेक किया जाएगा सो आपको एब्सोल्युटली क्लियर है अभी तक पूरी पिक्चर सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड सो व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिंदी प्रिपरेशन बस ये दो चीज़ें याद कर लेना वन और टू जस्ट सॉल्व लास्ट टेन ईयर क्वेश्चन पेपर पाँच साल के तो आपको यू पी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर मिल जाएंगे और बाकी पाँच के लिए बाकी पंद्रह साल के आपको मरनाल डॉट ओ आर जी पे आराम से मिल जाएंगे सो यू कैन गॉट गेट दिस पेपर्स ऑन देयर एब्सोल्युटली नो इशू सेकेंड इज़ द यूनिक पब्लिशर यूनिक पब्लिशर एंड अमेजिंग बुक पब्लिश बाय दैम कॉलेज सामान्य हिंदी बुक इंग्लिश में पब्लिश करते हैं जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में वो जनरल इंग्लिश बताऊँगा यहाँ पर सामान्य हिंदी बताऊँगा ये दो पढ़ लेना इसके अलावा यू डोंट नीड टू टच एनी थर्ड रिसोर्सेज वट पीपल ट्राई टू डू गोदान खरीद के ले आएंगे गबन खरीद के ले आएंगे रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजल खरीद के लिए आएंगे देर स्टार्ट रीडिंग दैट हिंदी लिटरेचर का पेपर नहीं देना आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना है यू डोंट नीट टू वेस्ट टू मच टाइम इन टू दट एंड दीज टू आर मोर देन सफिशियंट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज डो नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग स्टोरीज और पोएम्स कि भाई वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम प्लीज़ डोंट रीड कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर की सिंघासन गाली की जनता आती है आई आई लव पोएम्स आई लव रीडिंग दैम आई लव रिसाइटिंग दैम बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैम एक सिलेक्शन उसके बाद पढ़ दे रहे एंड प्लीज़ डो नॉट सब्सक्राइब एनी हिंदी न्यूज़ पेपर स्पेशली इफ़ यू आर एन इंग्लिश एस्पिरेंट हिंदी ऑब्वियसली जो हिंदी एस्पिरेंट है उनको हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा वर्ड ऑफ caution फॉर हिंदी aspirants, आपका जो हिंदी लिटरेचर का प्रिपरेशन है उससे थोड़ा सा अलग है तो इस पर बिल्कुल ही इसको गोल मत करना थोड़ा बहुत फोकस रखना है इस पर एंड जस्ट स्पेंड अबाउट वन वीक टाइम एंड टोटल ऑफ अगर आप एक डेढ़ साल पढ़ रहे हो प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से एक हफ्ता निकाल लेना इसके लिए और ये दोनों के लिए कह रहा हूँ चाहे इंग्लिश एसपेरेंट हो चाहे हिंदी एस्पेरेंट हो दोनों के लिए कह रहा हूँ जब हिंदी लैंग्वेज चूज करो तो दोनों प्लीज़ पढ़ लेना इसको ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट इन देवनागरी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट वैन इट इज़ मैंशनड देयर अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो ऑब्वियसली यू कांट डू इट इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन दैट केस यू हैव टू राइट इन द रोमन स्क्रिप्ट तो इंग्लिश में जब लिखोगे तो ऑब्वियसली नॉट इन देवनागरी स्क्रिप्ट रेस्ट ऑल द टाइम यू हैव टू राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट ठीक है डोंट वहाँ पे जाके इंग्लिश लिखने लग जाओ हिंदी में वो मत करना चलो मूविंग फॉरवर्ड नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन मोर मोरलैसे सेम ही रहता है पिछले दस साल से सेम ही आ रहा है सिर्फ 2013 में चेंज किया था तो दोनों इंग्लिश को भी चेंज किया था और हिंदी को भी चेंज किया था डर गए थे हम पेपर देख के यूजुअली क्या होता है सौ मार्क्स का एक निबंध आता है जो आप आराम से एक घंटे बैठ के आराम से लिखते हो और उसी में से आपके साठ पचास साठ नंबर आ जाते हो और आप पास हो जाते हो नब्बे तो चाहिए टोटल तो साठ इसमें आ गया तो ऑब्वियसली थर्टी तो आ ही जाएंगे लेकिन और यूजुअली चार पांच चॉइसेस होती हैं उसमें से यू हैव टू राइट वन निबंध लिखने के लिए टू थाउजेंड थर्टीन का कोई चॉइस भी नहीं दी और दो ऐसे दे दिए पचास पचास नंबर के और उसमें लिमिटेड स्पेस था तो वैसे ही हालत ख़राब हो रही थी तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इन टू थाउजेंड थर्टीन कम्पेरेटिवली लेकिन चलो कोई बात नहीं सो यूज एस साइज ऑफ हंड्रेड मार्क्स दैट इज हंड्रेड परसेंट श्योर अगर दो आ जाए तो आधे आधे घंटे में लिख देना सो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन इज द इजिएस्ट पोर्शन जिसको गद्यांश पढ़ के प्रश्नोत्तर करें वो होता है जो so, बारह मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है पांच क्वेश्चन होता है इट कैन बी डन विद इन टेन मिनट्स बट यू कैन टेक योर टाइम यू कैन टेक वन फिफ्थ ऑफ थ्री आवर्स अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू फोर्टी मिनट्स यू कैन टेक देर इज नो हरी ये सबसे लास्ट में करना प्रसी राइटिंग है गंदा होता है बिकॉज यू हैव टू राइट इन वन थर्ड वर्ड्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए संक्षेपण इसको करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और लोगों का दिमाग खराब होता है नंबर भी नहीं आते डू इट इन द लास्ट जस्ट कंप्लीटली इग्नोर इट टिल यू हैव लाइक लास्ट हाफ एन आवर तो उसमें कर लेना नाउ हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अनुवाद इट कम्स फॉर ट्वेंटी मार्क्स ऑफ हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी कम्स फॉर ट्वेंटी मार्क्स दैट इज फोर्टी मार्क्स और फिर मुहावरे शुद्धि करें पर्यायवाची और युग्म का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें सो दीज आर कम्बाइंड फोर्टी मार्क्स तो टोटल हो गया तीन सौ सौ प्लस आठ प्लस आठ दो सौ चालीस प्लस चालीस दो सौ अस्सी दो सौ साठ और ये चालीस तीन सौ सो वॉट है वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले पाँच से दस साल के पेपर सॉल्व कर लेना और देवनागरी में थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना दिस इज ऑल यू नीड टू नो द की इज़ टू नो अ गुड हिंदी टू इंग्लिश वोकेबलरी एंड वाइस वर्षा ये वोकेबलरीरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड याद नहीं आएंगे भाई स्कूल को विद्यालय लिखना नहीं स्कूल ही लिख रहे हो वहाँ पर वो दिक्कत हो जाएगी तो वो थोड़ा सा आप वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रख लेना वर्ड्स को वर्ड्स ही लिख रहे हो शब्द ही नहीं लिख रहे सो अराउंड टू थाउजेंड वर्ड्स की वोकैबुलरी जब बिल्ड हो जाएगी आपके तो देन यू विल इजिली क्वालिफाई नो वन कैन स्टॉप यू यू कैन राइट गुड एस यू कैन राइट गुड प्री सी और सब हो जाएगा आपका वॉट यू हैव टू डू फॉर दिस इज़ नोट डाउन ऑल द टफ बट कॉमनली यूज वर्ड्स एंड रिवाइज देम फॉर फाइव टू टेन टाइम्स एंड यू आर जस्ट डन विद यर प्रिपरेशन फाइनली वो लिखने का वहाँ पर थोड़ा सा लोड होता है तो फॉर देट जस्ट रीड ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एसेज फ्रॉम द बुक एंड प्रैक्टिस राइटिंग फाइव ऑफ दैम नॉट मोर देन दैट पाँच ऐसे अगर आपने लिख लिया एग्जाम के एक दिन पहले आपका हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन हो जाएगा एंड डू द प्रिसी राइटिंग एट द लास्ट दई एम स्पीकिंग अगेन एंड अगेन बारकिंग प्लीज़ रिमेंबर दिस भाई इसमें मत फंस जाना इंग्लिश और हिंदी दोनों में डू प्रिसी राइटिंग एट द लास्ट एंड सिक्सटी मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रेंशन जो गद्यांश है प्लस लास्ट फोर्टी मार्क्स आर एक्सट्रीमली इजी टू स्कोर मुहावरे सबको ही पता होता है यार एक और एक ग्यारह होते हैं नौ दो ग्यारह हो गया ये सब तो सबको आते हैं मतलब यू कैन इजीली राइट एंड गेट ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट मार्क्स तो ये सौ में से आपके नब्बे मार्क्स आ सकते हैं इजिली अस्सी नाइन्टी बिकॉज देर हाईली ऑब्जेक्टिव एंड पर्सन कैन नॉट डू इट रॉन्ग इफ़ यू है मेड इट राइट निबंध उमंध में तो चलो आपने उसकी कुछ आइडियोलॉजी का अगेंस्ट कुछ बोल दिया वो सब हो सकता है बट प्लीज़ रीड द रेलिवेंट पोर्स फ्राम द बुक फॉर द लास्ट फोर्टी मार्क्स थोड़े मुहावरे देख लेना सौ एक दो सौ मुहावरे दे रखे होंगे पचास सौ युगम शब्द होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना उसी में से रिपीट होते हैं प्रयावची और वो सब एंड यू कैन ईजिली स्कोर एटी टू नाइनटी एंड यू कैन क्वालीफाई सो ये क्वालीफाई करना है उसके अलावा नंबर तो लाना नहीं है टॉप करना नहीं है हिंदी में सो एनी वे आई होप देट वीडियो हेल्प यू प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट भाई इग्नोर मत करना हिंदी को इग्नोर मत करना नाकारना मत

देखने के लिए धन्यवाद शुभ दिन